वहां से अगर कुछ और फिनिशेस निकाल सकते हैं, भागने का फायदा उठा सकते हैं। इन द मीन वाइल ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की फाइट होती हुई रैंक टैन के साथ विस्कॉर्ड नॉक आउट फिनिश हो चुके हैं। ट्रू रिपर्स ने अपने दो खिलाड़ी खो दिए हैं। गॉडलाइक के ऊपर दिक्कत है, ये इनफैक्ट नियो को डाउन किया गया, लेकिन यहीं पे आप देखिए ट्रू रिपर्स के एडन को भी पिक किया गया। एल्फी सर्वाइव करे बट कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे देखने वाली बात वो रहेगी। इनफैक्ट टीम एक्सपाक के आए, केओस चढ़ाया और हुए बाहर, लेकिन ये थी वो कहानी जिसकी हम बात कर रहे थे। जी हाँ, कहीं ना कहीं ग्लोबली स्पोर्ट्स हमेशा से गॉडलाइक के लिए शहर की तरह बन चुके हैं। जितना करीब आते हैं उतना ज़्यादा दर्द पहुँचाती है। फिलहाल के लिए शैडो ही नॉक हुए, नियो को रिवाइव दे दिया जा चुका है। इस पावर काफ़ी करीब जा रहे हैं और देखिए डार्क लॉर्ड को जॉनाथन ने किया है फाइनली नॉक। नूब काफ़ी दूर है अपनी टीम से, देखते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में गॉडलाइक कैसे रिएक्ट करते हैं। 4 points secured, they need more, a lot more. इसको भी स्पॉट कर रहे हैं। एक ही ओपी का ग्रेनेड न्यूमन सवितार के ऊपर जाएगा। नूब ने बोला होगा कि मैं टीपीपी एंगल लेकर के बैठा हूं, निंजा बॉय को बोला गया होगा पीछे आइए, लेकिन उनका पीछे दिक्कतें हो सकती हैं। मोलोटॉफ किया गया था और इसी बूट कैंप के बैक एंड पर न्यूमन के प्लेयर्स ओजी के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं। एक ही ओपी सर्वाइविंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। ट्रिगर भी आसपास है, आप मैप पर नजर डालें तो ट्रिगर आपको दिखेंगे एक थोड़ा सा ऑफ एंगल, बट बैक एंड पे मेडल भी आ रही है। Oh, this power play. Everyone wants a chunk. ऐसा लग रहा है कि टीम्स कॉम्पिटिटिव नहीं, कैजुअल खेल रही हैं। वो जो हम पहले खेलते थे ना, बूट कैंप पे उतरो लड़ो और फिर अगला गेम चला लो। और कुछ टीम है यहाँ पे बहुत ज्यादा सुरक्षित है, बट ग्लोबली स्पोर्ट्स गॉडलाइक और रैंगटैन ये खतरे के दायरे के अंदर। शैडो फिलहाल के लिए काफी आगे आए थे, नूब ने नॉक निकाल लिया। अब एस पावर को कुछ ना कुछ करके पुश करना ही पड़ेगा। निंजा बॉय पीछे से कवर फायर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या करेंगे टीम गॉडलाइक? थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया इनफैक्ट के ऊपर, लेकिन वहीं पर एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। ड्रॉप शॉट कमिंग अप फ्रॉम हिम, जोनाथन इज ऑन लो एचपी, हैज अ डीपीएस इन हिज हैंड्स, लेकिन लेफ्ट साइड का प्लेयर देखना पड़ेगा। नूब टेक्स डाउन द थर्ड, इज इट हैपनिंग राइट नाउ? नियो इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, टेक्स डाउन निंजा बॉय बट अगेंस्ट द प्लेयर नेम टू हु माइट एज वेल बी अ प्रो एज ही टेक्स द एंटायर टीम 1-on-4 from a player named Noob, जिसकी हरकतें उस नाम के बिल्कुल विपरीत। Team Godlike गेम से लेते हुए अर्ली एग्जिट, बचा है बस एक ही गेम, बट अभी के लिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने तो चलिए अपना काम कर दिया है। निंजा बॉय काफी ज्यादा चोटिल, काफी ज्यादा घायल, उनके तरफ बढ़ रहे थे न्यूमन के खिलाड़ी, बट चलिए ड्रिगर के लिए एक अच्छी बात, फायदा उठाया इस पावर प्ले सिस्टम का, एक और फिनिश ले लिया, दो अंक मिल जाएंगे ओजी को। देखा मैंने, रॉनी ने पहले एक प्लेयर को नॉक किया और फिर उनके माइंड में आया कि चलिए मैं उतरता हूं, और चलती गाड़ी से उतर गए। बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आ चुके हैं टीम ब्लाइंड को पकड़ने के लिए, अ टीम विद द प्लेयर्स जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन क्वालिफिकेशन उनको करनी पड़ेगी। ब्लाइंड आईडी को भी पिक किया जाएगा, रॉनी को भी इनफैक्ट खत्म किया जाएगा। ये एक बहुत परफेक्ट सेटअप बन जाता है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने ट्रॉफी लास्ट ईयर उठाई जरूर थी, बट ब्लाइंड के वो खिलाड़ी थे और इस समय क्वालिफिकेशन की जब सबसे ज्यादा दरकार है तो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने हंट करके निकाला है टीम को। टीम ब्लाइंड 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने और 8 पॉइंट्स यहीं पे मिल चुके हैं। तो अभी के लिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स अगर पूरे ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करें वो घोष चुके हैं टॉप 16 के अंदर, बट करना चाह रहे प्लेयर्स किधर हैं, क्या यहाँ पे कुछ फिनिशेस निकाल सकते हैं? अभी भी 8 टीम अंदर है। 20 meters, 20 मीटर का फासला है, मैक्स कैश की तरफ से ग्रेनेड्स आ रहे हैं। ही नोस के प्लेयर्स बैक एंड पर हैं, जस्ट साइड लाइन पर आ चुका है, मैक्स को इनफैक्ट पिक किया जाएगा एनिग्मा के प्लेयर्स के द्वारा। अपने खिलाड़ी को स्पॉट करने की जद्दोजहद, मैक की एचपी बहुत ही ज्यादा कम, बट एनिग्मा ने अपने थ्रोएबल स्पॉटलाइट के ऊपर इस्तेमाल कर लिए थे। जोनाथन जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, काफी खराब हो सकता है ये मोलोटॉव, काफी खराब हो सकता है दिलजीत, ही वाज बर्निंग, बट एनिग्मा के ऊपर ग्रेनेड्स आ रहे हैं। हु इज द कल्प्रिट राइट नाउ? व्हाट, बाहर संभालना पड़ेगा, फर्स्ट एड लगा रहे हैं, एक प्लेयर रिवाइव दे रहे हैं, जल्द से जल्द जो भी करना है जल्दी करना है। रेवेनेंट के खिलाड़ी भी पीछे मौजूद है, ओआर का मैक का वो ग्रेनेड था। अभी के लिए गॉडलाइक प्लेयर्स को तो अपनी टीम से काफी अलग है। जोनाथन यहाँ पे ग्रेनेड्स फेंकने की कोशिश, चलिए मैक के तरफ, नूब का आएगा फिनिश सिक्योर। 4 फिनिशेस है, बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को देखिए आग लगा दी इस लॉबी में, 15 फिनिशेस। Noob is still surviving against Godlike. Noob ke 6 finishes hain. Last game mein Noob ne dikkat di thi. Is bar Shadow. Godlike ek player ko pick karenge. Aspav ne Ninja Boy ko down kiya hai. Ye Godlike ke liye kar rahe hain. Marogi City iske andar ek buggy aati hai. And Dark Lord taking down Shadow. Aspav taking down Dark Lord. It's Noob and Shadow surviving against the Aspav. The superpower.
एक रिवाइवल की दरकार, सख्त जरूरत, बट पीछे से जोन आ चुका है। व्हाट्स गोना हैपन, एक तरफ कोनो ने ग्रेनेड किया लेकिन खुद को जाना पड़ेगा, तो भाई जोन का जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा होने वाला, आगे की तरफ को मूव किया है, नूब के लिए दिक्कतें हो सकती है जी बिल्कुल। एक शॉट हिट पर लगा, स्विचिंग आउट ऑन टू द वेपन, बट फ्रॉम द अदर साइड इट वाज शैडो हु टेक्स डाउन द प्लेयर्स। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स रेवेनेंट क्वालिफिकेशन दोनों का दांव पर है। ई स्पोर्ट्स ऑन शैडो इज गोइंग फॉर इट, सेंसे गोस डाउन, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स They do it, but is that enough? They do it. They definitely make it enough. Congratulations, man. Thank you. एक बार मुस्कुरा दे, चेहरा दिखा दे। Super weekend के लिए qualify कर चुके हो। That must be a sense of relief now. बहुत ही खुशी मिल रही है, मजा आ गया। Last game बहुत ही पूरा ऐसा भड़ास निकाल दिया, पूरा अच्छे से खेल दिया, मजा आ गया पूरा। अभी जब मैच चल रहा था तो शिवांश और क्रैट दोनों चिकन डिनर की तो तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन नूब की बहुत तारीफ कर रहे थे। What a revelation he has been in this match. As he said, noob name is just a baiting strategy. Not so noob in the game. बिल्कुल नूब नहीं है। आओ मारने, लेकिन मार नहीं पाओगे। You know, but I would say this was a storyline for Global Esports. No other team could just showcase. सबने बढ़िया खेला, दिल जीता, तीन टीमें दो चिकन डिनर्स भी निकाले और टॉप थ्री में है, वेल डिजर्व्ड। Phoenix Park, Enigma, Insane और Rangutan, One Blade Gladiators, Medal on 56. इतना डिफरेंस रहा यहाँ पे, दो अंकों से रह गए टीम गॉडलाइक, और ये दो अंक शायद पावर प्ले